हे हाई डियर सी एम होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में और मेरे साथ है तरुणा मित्तल सीज रिसेंटली क्वालिफाइड सी एम ए विथ ऑल इंडिया रैंक फाइव और इनका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है वेदांता में तो ये जर्नी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लाइक वन शॉट में सी एम ए क्लियर करना वेदांता में जॉब प्लस ए आई आर और इन्होंने आईओ सी एल से अपनी ट्रेनिंग भी की है तो ये सारी स्टोरी आप सब

सर फीलिंग ऐसी थी सी एम ए सब इसलिए करते हैं क्योंकि बी कॉम से एक नॉर्मल जॉब मिलती है इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री देन यू डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल बी कॉम पर्सन तो सर ये था कि सी एम ए करा एक जॉब मिल गई अल्लाह की खुशी थी ऐसा लग रहा था कि जिस काम के लिए हमने छः महीने मेहनत करी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी वो चीज़ अचीव हो गई तो सर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में बहुत अच्छा लग रहा था सर डेफिनेटली अच्छा मैंने शुरू से नोटिस किया लाइक जब मैं आपके सेशंस में भी आया था प्री कैंपस प्लेसमेंट में तो आप हमेशा एकसा एक्साइटेड रहते थे, थे चीज़ों को लेके और एक आपका कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल का था मैंने वो चीज़ नोटिस की थी सो so, लाइक like, आपका कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प किया होगा राइट यस सर तो लाइक like, कैसा रहा था आपका इंटरव्यू जर्नी कैंपस में सर देखो इंटरव्यू के लिए मैंने कहीं से क्लास नहीं ली मैंने खुद सेल्फ प्रिपेयर करा सर यूट्यूब आपकी वीडियो अवेलेबल है अगर सर हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और हमें पता है क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है आपकी नॉलेज अगर आपने छः महीने फाइनल के लिए ढंग से पढ़ाई करी है तो यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट उन सब कॉन्सेप्ट को हमें इंटरव्यू से पहले रिवाइज करना है इंट्रोडक्शन अपने प्रिपेयर करना है और कॉन्फिडेंटली जो भी हम जानते हैं उसको हमें विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर और विदाउट एनी हेजिटेशन जिसको हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसको ढंग से उसको उसको हमें एक्सप्रेस करना है क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करता है इंटरव्यू के दौरान क्योंकि आपके पास डिग्री तो आपकी आ हाँ चुकी है क्योंकि आप सीएम हो आप तो भी क्वालिफाइड हो इंटरव्यू के लिए तो मेरा सिर्फ यही एक्सपीरियंस है कि यू शुड बिलीव एंड सर जी सर ओके सो लाइक तनु ना आपने अपने सीएमए जर्नी कैसे स्टार्ट किया लाइक like, आपको सीएमए कोर्स के बारे में कैसे मालूम चला और आपने ट्वेल्थ के बाद या फिर बीकॉम के बाद कैसे आपने स्टार्ट किया था सर मैंने ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम ऑनर्स किया रेगुलर तो उस टाइम पे मेरे टीचर्स बोलते थे कि मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है okay. तो दे सजेस्ट मी टू अ प्रोफेशनल कोर्स साइड बाय साइड बिकॉज सेकेंड ऑप्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आई टू बिकम अ प्रोफेसर फ्रॉम द स्टार्टिंग तो सर मैंने सीएम स्टार्ट करी आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेवल और मैंने सेल्फ स्टडी करी सी एम ए में विदाउट एनी कोचिंग तो आई क्लियर सी एम ए इंटरमीडिएट विद ऑ रैंक सेल द मेटेरियल अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्डवर्क एंड बिलीव बिलीव जो टीचर्स का था पेरेंट्स का था मेरे ऊपर सर उसके बाद बाई द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा सिलेक्शन हो गया आई ओ सी एल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो वहाँ पर एक साल हमने ट्रेनिंग करी तो आई नो कि एज अ सी एम ए और सी ए जरने भी बहुत अच्छा करियर है इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर बिकॉज सर अगर आपके पास सी एम ए सी ए है तो इट्स क्वालिफाइड एज अ मतलब सर आप क्वालिफाइड हो यूजीसी नेट क्लियर करने के तो फिर मैंने फाइनल का सोचा एंड सर मेरी मेहनत से एंड भगवान की दुआ से और पेरेंट्स के भरोसे से और टीचर्स की टीचर्स की भी सर सपोर्ट बहुत है जिस वजह से मेरा सी एम ए मेंल्ड इंडिया रैंक फाइव आ गया तो मैंने सोचा कि अभी सी एम ए के साथ ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं और अपना प्रोफेसर की जर्नी को अभी थोड़ा विराम देते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है ओके सो लाइक आपने इंटरमीडिएट भी आपने किया और एयर आपका है और आपने inter -final दोनों by self किया था, right? yes, sir. नहीं sir, final में मैंने ली थी जीएसटी uh, की, की और सर uh, निखिल सर से ली थी मैंने मैनेजमेंट ऑडिट की ओके okay. मतलब आपने दो तीन सब्जेक्ट की क्लासेस ली इट मींस ऑलमोस्ट आपने बाय सेल्फ ही किया फाइनल लेवल पे भी तो या आप, आपका अप्रोच क्या रहता था लाइक किस तरीके से आप स्टडी करते थे या क्या के आप क्या क्या जैसे स्टडी आप चीजें प्रेफर करते थे और किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे सर देखो इंस्टीट्यूट ना मेन अगर आपको पास होना है तो इंस्टीट्यूट मेन चीज पूछता है स्टडी मटेरियल से तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे स्टार्टिंग में स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है और तो स्टडी मटेरियल कंप्लीट होने के बाद मैं रिवाइज करती हूँ सेम बुक से जब मेरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इफ यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स वन बुक नॉट रिविजन बाइ ट्री बुक्स डिफरेंटली ऑन द सेम सब्जेक्ट यू शुड रिवाइज सेम बुक सेम पेज यू विच यू जो आपने पहले पढ़ा है उसी चीज से दोबारा पढ़ना है तो रिविजन से ही आपको जो कॉन्सेप्ट है याद रहता है और आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी आपको एक सब्जेक्ट का स्टडी मेटेरियल पढ़ना है पास्ट ईयर्स पढ़ना है आर टी पी एम टी बी डेड सी लेकिन बार बार पढ़ना है क्योंकि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है रैंक के साथ तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्योंकि सर एग्जाम टाइम तक आते आते हमें सेल्फ डाउट होने लगता है कि जो हमने पढ़ाया वो हम भूल गए सब बच्चों के साथ ही होता है लेकिन अगर आपने दिल से मेहनत करी है और चीज़ों को बार बार रिवाइज करा है तो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रह जाती है और जब आप एग्जाम देते हो वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होती है तो हमें ना अपने क्योंकि हमारे सी के जो एग्जाम होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं तो ब्रेक नहीं होता तो अगर बच्चा दिमाग से हार गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार तो हमें अपना मेंटल स्ट्रोंग करना होगा क्योंकि सारी प्रोफेशनल एग्जाम्स में तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ तुम कितने पॉजिटिव हो कितने मेंटली स्ट्रोंग हो ये दो जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं तो मेरा यही जर्नी थी कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और सब कभी कॉन्फिडेंस डाउन भी हुआ तो मेरे टीचर्स थे मेरे पेरेंट्स थे जिनसे मैं बात करती थी मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी बट ट्रस्ट ऑन द गॉड क्योंकि सर यही है कर्म रिटर्न अगर आपने किस चीज में मेहनत करी है तो भगवान भी देख रहा है कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिलेगा तो यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ हार्डवर्क डेडिकेशन ऑब्सेशन टुअर्ड्स योर गोल एंड बिलीव ऑन द गॉड क्योंकि सर भगवान सर हमने बहुत मेहनत करी है लेकिन हमारी किस्मत में नहीं है पास होना तो नहीं होगा तो आपको थोड़ा ना सेल्फ थोड़ा ना भगवान के उसमें भी जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम पॉजिटिव होते हैं और भगवान हमारे साथ होता है तभी हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छी होता yeah, तो है तो ये ये तो मैं भी मानता हूँ कि लेकिन लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है आपके मेहनत के साथ साथ So, like, आपका का क्या strategy रहता था? Like, आपने कितने करते थे, अपने इंटर और फाइनल लेवल पे? सर, बीच में तो अगर मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ तो मैं उनको रिवाइज करती हूँ तो ज्यादा मेमोराइज रहते हैं और क्योंकि सर जैसे डी टी हो गया जी एस हो गया उसमें ना बहुत मिनिमम मिनिमम सी चीजें याद याद रखने सेक्शन हो गए रेट्स हो गए लोज हो गए और जैसे लोज में जो हमारा corporate laws है उसमें बहुत सारे laws के section, तो अगर खुद के नोट्स बनाओगे उसको daily revise करोगे मेरा ना से जो revision है मैं पढ़ाई पूरे दिन करती थी लेकिन revision early morning, आ, 3 तो अगर जिस बच्चे ने सुबह का टाइम क्योंकि हमारे हमारे धर्म में सुबह का टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और जिस बच्चे ने सुबह तीन बजे से आठ बजे तक रिवाइज कर लिया जो उसने पूरे हफ्ते पढ़ा है वो कभी नहीं भूल सकता नहीं। तो मेरा जो मेरा खुद का स्पेसिफिक है कि सुबह रिवाइज करो पूरे दिन पढ़ो और जो आपने पांच दिन पढ़ा है उसको सैटरडे रिवाइज करो संडे फ्री रहो क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लाइफ में लेकिन जब पढ़ रहे हो तब पढ़ाई जब एंटरटेनमेंट है तब एंटरटेनमेंट ये नहीं की आप पढ़ाई कर रहे हो तो फालतू की बातें सोच रहे हो जब मजे कर रहे हो तो पढ़ाई की टेंशन लेके मजे नहीं कर पा रहे आपको प्रेजेंट में जीना होगा और जो कर रहे हो मजे से करो दिल के साथ करो अपना सौ परसेंट दो रिजल्ट अपने आप मिलता है ग्रेट ग्रेट अच्छा आपने लाइक काफी सारी चीजें आपने बताई ना अच्छा आपका जैसे इंटर में भी रैंक था फाइनल में भी रैंक था तो लाइक आपने ये सोचा था कि आपका रैंक आएगा आपने उस हिसाब से पढ़ाई की या फिर आपने जस्ट गो विद फ्लो गए आप पढ़ाई अपने फोकस के साथ किया और रैंक ऑटोमेटिकली आपको आया तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचती uh, हमारे गीता में लिखा है कि यू शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड यू शुड डेडिकेट योर ऑल द एक्शंस टू द प्रोसेस मेरा ये था कि सर जैसे मेरे पास आज आज मेरे पास चौबीस घंटे हैं चौबीस घंटे में अपना कितना बेस्ट दे सकती हूँ अपने ऑब्जेक्टिव के क्लोज जाने के लिए तो मैं पास्ट के बारे में सोचूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कुछ कमी रहेगी पास्ट के फ्यूचर के बारे में सोचूंगी तो प्रेजेंट में अच्छा नहीं दे पाऊंगी तो आई लिव इन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द ट्वेंटी फोर आवर्स विच इज प्रेजेंट जो मेरे सामने अवेलेबल है और अपना बेस्ट देती थी जो करती थी दिल से करती थी क्योंकि सर अगर हम कोई चीज दिल से कर रहे हैं ना और इसी चीज में इंटरेस्ट थकान नहीं होती और ये मैं अगर, अगर अपना गोल पहले अचीव कर लूंगी कि रैंक लानी है और उसके बाद करूंगी तो थकान होगी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी इरिटेशन होगी तो गोल सेट होना चाहिए अच्छी बात है लेकिन आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान दे, देना चाहिए क्योंकि प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो प्रोसेस की जो प्रोसेस को आप इंजॉय करोगे और जिस चीज को एंजॉय करोगे थकान नहीं होगी अच्छा महसूस होगा उसको काम करके या ग्रेट सो so, लाइक like, आपने बहुत सारी चीजें की अच्छा मुझे एक चीज और आप बताओ मैंने जो ओरिएंटेशन में आपके जो दो दिन मैंने सेशन लिया सो so आपको कैसा लगा था मेरा सेशन सर मैंने ना कहीं से इंटरव्यू की क्लास नहीं ली लेकिन आपके दो तीन सेशन लिए और आपके ना एक बुक है रॉक रॉक योर इंटरव्यू और आप इतने हम्बल है कि मैंने आपसे वो बुक मतलब बोला कि आ, रोहन सर आई नीड योर बुक तो आपने आराम से बुक दिखा दी और आप जैसे मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ उसके बावजूद भी आपने आपने मुझे अपना नंबर दिया और जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपने बताया कि ऐसे करना है ऐसे करना है तो अब आप, आप एक ऐसे टीचर हो जो पैसों के लिए अपने प्रोफेशन को नहीं तोलते और इस वजह से आपने मुझे बोला कि आप आपना आप मेरे इंटरव्यू के लाओगे इस वजह से मैंने हाँ करी क्योंकि सर अगर ऐसे लोग हमारे देश में मौजूद मौजूद हैं जो अपने प्रोफेशन को पैसों से नहीं कंपेयर करते क्योंकि सर जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करी है तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ क्योंकि मैं टीचर से पूछती थी, थी सोल्यूशन तो बोलते थे प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करो बट ये चीज़ मुझे आप में नहीं लगी तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी लगी और आपके दो तीन दिन के सेशन की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ मेरे इंटरव्यू में यही है बस सर जी ओके ग्रेट ग्रेट अच्छा आप अपने जर्नी से मतलब मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुआ कि क्योंकि प्रेजेंट के बारे में सोचते हो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते बहुत सारे स्टूडेंट है वो मेरे पास ये डाउट लेके आते है किस समय सी एम बनने के बाद मेरा क्या कैरियर स्कोप रहेगा मुझे अच्छी जॉब मिलेगी सैलरी क्या रहेगा तो क्या आपके अंदर ऐसा कोई डाउट नहीं आया था जब आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया सर डाउट आया था क्योंकि मैं रियलिटी में जीती हूँ सी ए थोड़ा अब मार्केट में चीज़ें चेंजेस हो रही है लेकिन जब मैंने सीएमए सी ज्वाइन करा था तो सीए की ज़्यादा वैल्यू थी तो मैंने सोचा कि सीएमए इतना नहीं है बट सर ये था कि मुझे थोड़ा डिफरेंट करना था मेरी क्लास में सीए बहुत बच्चे कर रहे थे तो मेरा था कि मैं एक डिफरेंट कोर्स चूज करूँ डेट्स वाई आई चूज सी और सर जॉब की बात है कि अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी सर देखो उसकी एम में एक हमें प्लेटफॉर्म देती है जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए तो हमें खुद तैयार होना पड़ेगा ना वो mm -hmm. तो डॉक्टर में ले लो अब इंजीनियरिंग में ले लो हम किसी कोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना ज़रूरी है ज़िंदगी में mm -hmm. हमें इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स में और कोई भी अगर अंदर बैरियर है वेदर रिलेटिंग टू लैंग्वेज और एनी वी शुड रिमूव इट बाय कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस टुवर्ड्स इट्स ग्रेट yeah, सो so, आप लाइक like, यंग को जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं नेक्स्ट में वो भी सीएमए बनने वाले हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे सर सजेशन यही है अपने आप पे फोकस करो और ज्यादा ना किसी की बात नहीं सुननी सब बोलेंगे ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो आप ना डिस्टर्ब हो जाओगे आपको थोड़ा सोशल साइट से दूरी बनानी रखनी होगी अपने ऊपर विश्वास करना होगा और ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाना और आपको ये जानना जरूरी है कौन से दोस्त आपके साथ है आपका अच्छा चाहता है और कौन से बुरा चाहता है तो अपने आप पे फोकस करो अपनी लिमिट डिफाइन करो यू शुड बी सराउंडेड टू और मोर पीपल्स बट क्वालिटी ऑफ पीपल्स और अपना फिक्स करो कि आपको इतने दिन में ये कोर्स uh, कंप्लीट करना है इस मैट से पढ़ना है और हमेशा इसी मैट से पढ़ना है यू शुड सेलेक्ट योर टीचर्स एज वेल एज योर मेटेरियल कॉन्शियसली तो ये चीजें हैं और सेल्फ बिलीव कॉन्फिडेंस हार्डवर्क डेडिकेशन ऑब्सेशन ये है उसको अपने अंदर रखना होगा और कभी डाउट हो तो पेरेंट्स के पास जाओ क्योंकि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता माँ के पास जाओगे जहाँ हमारी सर जैसे मेरी मम्मी है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है बट मेरी मम्मी के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है मुझे कभी भी घबराहट होती है कुछ भी होता है अपनी मम्मी के पास जाती हूँ उनको सब प्रॉब्लम बताती हूँ तो अगर मन घबराए क्योंकि सर हम यंगस्टर्स हैं और कभी कभी नेगेटिव सर्कमस्टानस हो जाता है तो पेरेंट्स ही ऐसे है इनके पास जाओगे सारे सोल्यूशंस हैं और दोबारा से अपने काम पे लग जाओ मेहनत करो

तो उसके बाद रेस्ट लो खाना खाओ थोड़ा वॉक भी कर लो क्योंकि आ, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ ही अच्छी है अगर मेरी फिजिकल बिगड़ी तो जितना पढ़ 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 लूंगी मैं वो सब बिगड़ जाएगा तो एक घंटा ना वर्कआउट भी कर लो योगा कर लो रनिंग साइकिलिंग कुछ भी उसके बाद आ, आपको थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए क्या करना है जो आपको अच्छा लगता है जिसको जिससे करके आपको पॉजिटिव फील होता है वो करो लेकिन सर मिनिमम टेन टू ट्वेल्व आवर्स जरूरी है स्टार्टिंग के टू मंथ्स में लेकिन अगर आपके एग्जाम नजदीक है तो फोर्टीन टू फिफ्टीन आवर्स और सबका ही डिफरेंट है मैं अपना बता रही हूँ हम्म या यू आर राइट अच्छा एक और क्वेश्चन बस जैसे आपने आई से आपने इंटर्नशिप किया तो लाइक like, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कि एक पी से इंटर्नशिप करने में सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज हुई कि पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करते हैं और पीपल मैनेजमेंट कैसे करते हैं काम कैसे सीखते हैं काम तो देखो सर हर जगह सेम ही है पीएसयू में भी फॉर्म में भी बट पी एस सी पूरा पूरा कॉरपोरेट कल्चर देता है आपको आपको रहने का तरीका आता है आपको पता लगता है कि यू शुड नॉट टेल ऑल द वीकनेस इनसाइड यू टू द कॉरपोरेट वर्ल्ड एंड कीप योर पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट तो ये इंटेंजिबल एक्सपीरियंस है जो कि पी से ट्रेनिंग करने के बाद आई रियलाइज तो बहुत इसने भी सर मेरी uh, मेरे कॉन्फिडेंस में मेरे वे ऑफ टॉकिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट करिए राइट सो ऑल दर फ्यूचर एंड कुछ भी आप लास्ट में कुछ so कहना sir. चाहते हो तो आप कह सकते हो सर मेरी फेवरेट दो लाइन्स है yeah. uh, जो मैं बोलना चाहती हूँ मार ना सके कोई uh, बाल ना बाका हो सके चाहे जगबरी हो ग्रेट ग्रेट सो ऑल बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आप लाइफ में बहुत अचीवमेंट so लेते sir. रहो एंड हम आपको फिर से बुलाते so रहे आपकी स्टोरी रिकॉर्ड करते रहे थैंक यू सो मच सर